आइए दोस्तों, आपका विद्या किचन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ मैंने देखिए ये मूंग दाल के लड्डू तैयार किए हैं, तो आइए मैं आपको इसकी रेसिपी बनाना सिखाती हूँ। बनाने जा रहे हैं मूंग दाल के लड्डू, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 1 केजी दूध लिया है, इसको गर्म करने के लिए रख दिया। इसको हम गाढ़ा होने तक गर्म करेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे इस तरह। दूसरी तरफ कढ़ाई गर्म करने रखी दोस्तों हमने, तो इसमें हम 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। 2 चम्मच हम यहाँ पे 2 चम्मच ले रहे हैं, 1 बड़े चम्मच। और यह है मूंग की दाल का पाउडर जो हमने घर पे तैयार किया है। दोस्तों मूंग की दाल पीली धुली हुई लीजिए बिना छिलके वाली बाजार से, उसे साफ करके घर पे ही पाउडर तैयार कर लीजिए मिक्सी से। तो अब हम इसको घी में डालेंगे, 150 ग्राम से ज़्यादा है, लगभग 200 ग्राम के करीब हमने इसको यहाँ तैयार किया है। अब इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक बिल्कुल स्लो आग पर ही भूनेंगे दोस्तों। तो जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक आप इसको बराबर भूनते रहिए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब इसमें से खुशबू आने लगती है और आपको पता चल जाएगा। ये देखिए दूध बहुत गाढ़ा हो गया है जितना हमें चाहिए, तो हम गैस को भी यहाँ बंद कर रहे हैं और दूसरी साइड जहाँ हम मूंग की दाल को अच्छे से भून रहे थे, देखिए तो इसका कलर चेंज होने लगा है दोस्तों। अभी इसका कलर थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए यहाँ भूनना है, ये देखिए गैस हमने बिल्कुल भी बढ़ाई नहीं, स्लो कर रखी है। आप देख सकते हैं कि दाल का कलर चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो गया जैसे हमें चाहिए, तो हम गैस को बंद कर देते हैं। अब दोस्तों जो हमने खोया यहाँ पर तैयार किया गाढ़ा दूध, उसमें हम अपनी भुनी हुई दाल को पूरा डाल देंगे और बाद में गैस चलाएंगे इसको। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको हम धीमे धीमे स्लो गैस पर ही गाढ़ा होने देंगे। जब बिल्कुल सूख जाएगा दोस्तों तभी हम इसको आगे लड्डू बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे गैस चालू कर दी है और इसको हमने स्लो कर दिया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खोया और जो हमने दाल ली है वो पूरा मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच देसी घी और मिलाएंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच देसी घी और डाल दिया हमने और इसे फिर से हमें धीमी गैस पर ही भूनना है, जिससे कि काफ़ी खिला खिला हो जाएगा, तब हमारे इसके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। देख सकते हैं कि इस तरह से ये खिला खिला हुआ तैयार हो गया है ये इसका मावा। अब हम इसको गैस को यहाँ बंद कर देंगे और सारा मिश्रण एक थाली में हमें यहाँ निकालना है। इसमें दोस्तों आप मीठा अपने अनुसार रखिएगा। यहाँ हम 150 ग्राम पिसी हुई चीनी, ये आपको मार्केट में मिल जाएगी, इसे बुरा कहते हैं, हम यहाँ पे 150 ग्राम करीब डाल रहे हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हम इसके लड्डू तैयार करेंगे यहाँ पे, ठंडा हो जाए थोड़ा सा। तो दोस्तों इसे हाथों की सहायता से आपको मिक्स करना है और ये देखिए लड्डू बनने के लिए हमारे तैयार हैं। तो ये मूंग दाल के लड्डू दोस्तों बहुत फ़ायदे की चीज़ है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया और ये बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं घर पे। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि इस तरह से हम इस तरह से आप ले लीजिए मावा को तैयार किए हुए और इस तरह से आपको ये देख रहे हैं आप यहाँ पर अपनी पसंद का जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप इसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ में ये देख रहे हैं आप कि मैंने यहाँ पे पिस्ता और किशमिश का इस्तेमाल किया है, आप जो पसंद करें आप वो लगाइए यहाँ पे। और इस तरह से दोस्तों हम एक चांदी का बर्फ ले लेंगे और उसको अपने लड्डू पे इस तरह से लगा देंगे। इससे क्या है हमारा लड्डू बिल्कुल मार्केट जैसा है और बहुत ही सुंदर दिखेगा। और इस तरह से आप सजाइए, तो देखिए दोस्तों इसी तरह हम सारे लड्डुओं को तैयार कर लेते हैं यहाँ पे। ये बहुत ही सरल
और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो इसे आप जरूर ट्राई करें। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे लड्डू यहाँ बनके तैयार हो चुके हैं। और दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत आसान है। थैंक यू।